नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग, सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन के जिला सतना में एक और भर्ती निकली है, तो आज हम उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत से जिले में अलग अलग पदों पर भर्ती निकले सामाजिक न्याय विभाग में, उसी प्रकार हम सतना जिले में भी आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं, लास्ट डेट क्या है और फॉर्म किस प्रकार से आवेदन आप कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं जिला सतना के सामाजिक न्याय दिव्यांगजन विभाग के वैकेंसी के बारे में विस्तार से। और बात बताओ तो अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सभी को पीडीएफ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कार्यालय उप संचालक सामाजिक एवं न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सतना, जनसंपर्क मध्य प्रदेश भोपाल, विषय क्या रहेगा इसका, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सतना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी हो चुके हैं। तो चलिए इसके पद के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी लास्ट तारीख क्या, तो इसकी लास्ट तारीख 21/9/2023 रखी गई है। पूर्णतः ऑफलाइन आवेदन है, केवल एक वर्ष के लिए आपको संविदा आधार पर रख रहा है। अगर आपने अच्छा काम किया, उनको आपका काम अच्छा लगा, आपने मन से काम किया तो आपको आगे बढ़ाने की संभावना रहेगी, पर अभी तो एक साल के लिए है और 21/9/2023 तक आप आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। आपको जो पता है वो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। सीनियर आर्थोटिस्ट के में पद है जहां पर आपको 20,500 रुपये प्रति माह देखने को मिल जाएगा और जिसमें आपको एक पद देखने को मिल जाएगा, योग्यता आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सीनियर स्पीच थेरापिस्ट की है जिसमें आपको 20,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच की यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 20,500 रुपये मिल जाएंगे। और मोबिलिटी इंस्ट्रक्चर की आपको देखने को मिल जाए जिसमें 14,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। हियरिंग असिस्टेंट में 16,000 रुपये, सॉरी, मल्टीपर्ज में आपको देखने को मिल जाएंगे 14,500। असिस्टेंट कम्प्यून कम मैसेंजर में आपको 9,500 रुपये देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिसर में आपको 18,500 रुपये देखने को मिल जाएंगे। वेकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट में आपको 14,500 देखने को मिल जाएंगे और एक पद, सभी में एक पद है, ठीक है। और ट्रांसडिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर में आपको 2 पद हैं जिसमें आपको 16,000 रुपये प्रतिमाह देखने को मिल जाएगा। उपरोक्त सभी पद एक अंकी के आरक्षण से मुक्त होंगे। पूर्णतः 1 माह 1 वर्ष की आपको जो है वो दी जाएगी। न्यूनतम योग्यता आपकी 1 जनवरी 2023 के अनुसार 18+ होनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला कलेक्टर सतना का ही अंतिम निर्णय मान्य रहेगा। अंतिम तिथि 21/9/2023 5:30 बजे से पूर्व आपको कहाँ भेजना है वो हम आपको बता देते हैं। 17 नंबर का आप ऑप्शन जब देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, आवेदन पत्र कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सतना मध्य प्रदेश द्वितीय तल कलेक्ट्रेट भवन धवारी में सीधे जमा किए जा सकते हैं या डाक द्वारा प्रेषित किए जा सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र आप सबसे देख, आवेदन का प्रारूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन को बड़े ध्यान से भरिएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें एक वीडियो इस प्रकार से बनाए कि सभी जिले के जितने भी जिले में निकली है यह भर्ती, उन सभी जिले के एक बार आप बता दीजिए कि किस प्रकार से आवेदन भरना है, उसके वीडियो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।